हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल मीनू गुप्ता। आज मैं आपको रेशम के धागों से पुरानी चूड़ियों को किस तरह से हम न्यू कर सकते हैं और मल्टी कलर का बना के रीयूज़ कर सकते हैं। इन चूड़ियों को आप किसी भी साड़ी सूट के साथ आराम से इजीली पहन सकते हैं और दिखने में बिल्कुल न्यू लगेंगी और बहुत ही सुंदर लगने वाली हैं कि जिसे आप हर साड़ी और सूट के साथ पहन सकते हैं। इसके लिए मैंने ये रेशम की थ्रेड्स लिए हैं, देखिए धागे वाली रील है ये, और कोई भी पुरानी चूड़ियाँ, क्योंकि इनका देखिए रंग बिल्कुल फेड हो चुका है और अब मैं इन्हें किसी भी सूट साड़ी पर नहीं पहन सकती। और इंची टेप मापने के लिए आपको ज़रूरत पड़ेगी, थोड़ा सा ग्लू, कोई भी आप चिपकाने वाली ग्लू ले सकते हैं, और अगर आपको इसको और डेकोरेट करनी है तो हमें गोल्डन रिबन से भी हम इसे रैप कर सकते हैं या प्लेन भी बना सकते हैं, वो आपकी इच्छा है, आप कैसे भी इसको यूज़ कर सकते हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये मैंने चूड़ियाँ ले ली हैं, ये थोड़ी पतली हैं इसीलिए मैंने दो ली हैं अब, और ये मैंने इंची टेप के साइज़ का माप के धागा ले लिया है। इसमें 11 लेयर्स हैं ताकि हम जल्दी जल्दी इसे करेंगे तो पूरा कवर हो जाएगा ये। अब इसके ऊपर मैं थोड़ा सा गोंद लगा रही हूँ देखिए, और यहाँ पर इस धागे को चिपका दूँगी और इसको लपेटना शुरू कर रहे हैं अब हम। आराम आराम से लपेट रहे हैं आपको, एक के ऊपर एक नहीं धागा आना चाहिए आपका, बिल्कुल नीटली आपने करना है ये। और बीच में गैप भी ना आए आपका, इस तरह से खींचते हुए, बहुत ज़्यादा खींचना भी नहीं है नहीं तो धागा भी टूट सकता है आपका। देखिए ऐसे करके मैं सारी चूड़ी को कवर अप कर लूँगी, ये देखिए आराम से, नहीं तो धागा है पतला है ये रेशम का, वैसे भी रेशम का धागा जल्दी टूट जाता है और इसको थोड़ा पोलाइट से करना पड़ता है। देखिए देखिए कितना सुंदर आ रहा है, ऐसे करके मैं सारे धागे को बैंगल के ऊपर लपेट लूँगी। देखिए अभी हमारी सारी बैंगल कवर हो गई है, लास्ट में हम इस पर एक नोट लगा देंगे। चाहे तो दो नोट, दो या तीन, जितनी आप चाहें पक्का करने के लिए लगा सकते हैं। बैंगल बन के तैयार हो गई है, बचे हुए धागे को मैं सीजर से काट दूंगी, चाहे तो आप हल्की सी सेलो टेप भी लगा सकते हैं, वो आपकी इच्छा है। देखिए देखिए फ्रेंड्स, मेरी चूड़ी बिल्कुल तैयार हो गई है बनके। अब इसके ऊपर अगर आपने गोल्डन धागा लगाना है तो धागा भी लगा सकते हैं गोल्डन, देखिए फ्रेंड्स अब हमारी बैंगल्स तैयार हैं पूरी अच्छे से। कुछ के ऊपर मैंने गोटा लगाया है, आप ऐसे ही गोटा लगा सकते हैं जैसे हमने थ्रेड लगाया है, लेकिन ये थोड़ा डिस्टेंस पे लगाना है आपको। इसमें आप स्टोन भी लगा सकते हैं आपकी इच्छा के अकॉर्डिंग, जो भी आपको लगाना चाहिए। देखिए आपको कितनी सुंदर चूड़ियाँ बन गई हैं। अगर मुझे आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।